महानगरों की तर्ज पर बलिया में भी अब छोटे बच्चे को उठाने वाला गिरोह पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और वो आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र के बैरिया कस्बे से है, जहां घर के सामने एक पुलिया के समीप टहलने निकला 12 वर्षीय दानिश को वैन सवार बदमाशों ने उसके पिता से मिलाने के बहाने गाड़ी में जबरन बिठा लिया और मुंह पैर बांध कर उसे लेकर फरार हो गए। हालांकि जब तक बच्चा कुछ समझ पाता तब तक बदमाश उसको कुछ सूंघा कर बेहोश कर बच्चे को बलिया लेकर पहुंच गए और गाड़ी को एक जगह रोका। जब बच्चे को होश आया तो उसने अपने आप को गाड़ी में अकेला पाकर वह खामोश हो गया। बदमाशों को गाड़ी से बाहर देखकर जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलकर गली में छिप गया। जब बदमाश उसे ढूंढने लगे तो उन्हें बच्चा नहीं मिला और वह गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। वही बहादुर बच्चा जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और अपनी आप बीती घर वालों को सुनाई। फिर रिश्तेदार ने बच्चे व उसके पिता को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी, जिसे सुनकर अपर पुलिस अधीक्षक भी एक बारगी चकरा गए और वो संबंधित थाने को मामला दर्ज करके जांच करने के निर्देश दिए। मैं अपने घर से टहलने के लिए निकला था, एक बहन आया, जा रहा था, एक बहन आया तो मुझसे बोला है बाबू इधर आओ। बोला क्या बात है? तो बोला कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है। मैं बोला कि मेरे पिताजी तो घर पर है, तो मुझको जबरदस्ती बहन बैठा दिया और मैं सिर पे आँख पे नाक पे दुपट्टा बांध दिया और पैर से जाग दिया और चल गया वहाँ से निकल गया। फिर रास्ते में दो बार गाड़ी रुकी, एक बार रुकी तो चार बाहर निकलते तो उसी में थे और एक बार बलिया में रुकी, सब बाहर निकल गए। तभी वहाँ पर मैं बैन लक नहीं था, निकल गया उसमें से जाकर गली में छुप गया। फिर वो लोग आए, देखे मैं नहीं हूँ, मुझको धुंधो लगे चारों तरफ, नहीं मिला तो कुछ देर तक धुंधे फिर चले। फिर वहाँ से निकला गली में से, मैं पूछा कि कौन सी जगह है, सबसे बोले बलिया। दिन में कितने लोग थे? छः। फिर मैं रेलवे स्टेशन पर आया, फिर मेरे रिश्तेदार का दुकान है वहीं पर, वहाँ पर गया, अपन सबको बताया जी। बैरिया है, मेरा नाम मोहम्मद कासिम, मैं पहला जगह का सुबह जो है हमको चाय पीने के लिए दिया, उसके बाद चला गया टहलने के लिए। करीब 6:30 बजे जो है बैरिया जो है फाटक पर टहला रहा था, उसी समय जो है एक ट्रेन गाड़ी आई रुकी और इसको गए बच्चा इधर आओ और बुलाया जो है। उसके बाद जो है कहा कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, चले चलो। जब हमारे पापा जो है घर पर हैं अब तो जो है बढ़िया जो है खींच खींच करके बैठा दिए गाड़ी में और रात से लेकर चले आए। उसके बाद हम लोग सुन रहे थे बढ़िया में पब्लिक स्कूल, सुन रहे गए बच्चा लेट होते। बाद में हमको 11 बजे करीब फ़ोन आई बढ़िया से, इलाका आपका यहाँ पर हमारे यहाँ है, एक हमारे रिश्तेदार है बलिया में, तब हम लोग भागते भागते यहाँ पर आए। वहाँ पर ऐसी साथ कमरे में आ गए थे बहुत दिन। ऐसी घटना आपके पहले जो है बहुत पहले जो है यहाँ पर सिकंदरपुर में सुनने में आया था, हुआ था। सब कहे हैं कि हम इसके लिए जो है सब आपके थाने पर हम खबर दे देते हैं, जान द्वारा भेज देते हैं, क्या जो है आपके जो है बहुत मदद की जाएगी, थोड़ा शांति होगी, सड़क थाने पर हम खबर दे देंगे। गाड़ी जो है दरभंगा में जो है बता दिया गया, सब बता दे दिया गया। ऐसे अभी प्रार्थना पत्र लेकर के परिवारजन आए थे और उसमें ये था उनका 12 साल का जो लड़का था, वो उनका ये कहना है कि बहला फुसला करके कुछ वो बैंड में जो है बैठा लिए और कुछ दूर ला करके उसको जो है बैंड वाले वहाँ चाय पीने लगे तो ये बच्चा जो है वहाँ से बैंड से उतर करके निकल गया। इस संबंध में जो भी प्रार्थना पत्र दिए हैं इनमें मैंने थाना प्रभारी बैरिया को आदेश किया है, वो इसको जाँच करके विधिक आवश्यक विधिक कार्यवाही करें और बच्चा चूँकि वो सुरक्षित है, वो आ गया है, तो उस संबंध में जो है जो भी है वो बैन कौन सी है उस संबंध में गहराई से जांच करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे।